बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, बहुत सारी खबरें हैं लेकिन दो चार खबरें मैंने पिकअप की हैं, उसके बाद मैं वो खबरें आपके सामने रखता हूँ और कुछ तज्जिया अपना भी उसके ऊपर पेश करता हूँ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमर फारूक साहब, जिनकी के नाम से आप बखूबी वाकफ भी हैं और उनके फैसलों से आप बखूबी वाकफ हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो जमानत मुस्तरद हुई है उसका तफसीली फैसला 10 सफात पर उन्होंने दिया है। और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि चेयरमैन पीटीआई या वाइस चेयरमैन पीटीआई के ऊपर ऑब्जर्वेशन देते हुए ये कहा है कि वो उम्र कैद या सजाए मौत साइफर के मुकदमे में जो है या फिर सजाए मौत है और इसके ऊपर जो है वो जमानत नहीं हो सकती। यानी बेसिकली ये जमानत के लिए दरख्वास्तें दी गई थी कि पीटीआई के चेयरमैन को जमानत पर रिहा किया जाए, वाइस चेयरमैन को जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इतने सीरियस मामलात हैं कि उम्र कैद भी हो सकती है इस पर और सजाए मौत भी हो सकती है, लिहाजा इस पर जमानत नहीं हो सकती। उनकी जो ऑब्जर्वेशन है या जो उनका फैसला है, बेसिकली जमानत नहीं देनी है। और ये सजाए मौत का या उम्र कैद का जो उन्होंने जानबूझकर जो ऑब्जर्वेशन दी है, इसका मतलब ये है कि वो डरा रहे हैं पीटीआई के वर्करों को, या फिर चूंकि इलेक्शन सिनारियो एक ऐसा बन रहा है जिसमें ऑब्वियसली पीटीआई को आज़ादी से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, पाबंदियाँ लगेंगी और वो बेसिकली वर्करों को जो इस वक्त होप या आस लगाए बैठे हैं कि वो शायद उनका लीडर रिहा होगा, शायद उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, तो उन सबको मायूस करने के लिए, उन सब का जो मोरल जो जो उनकी थिंकिंग है उनको डिग्रेड करने के लिए इस तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही है। आज भी कोई 7 घंटे अडियाला जेल में जो नैब की नई टीम है जिसमें कुछ नए लोग भी शामिल हैं उनको भी शामिल कर दिया गया है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये पैसा आया कहाँ से और ये खर्च कहाँ से हुआ। हालांकि 190 मिलियन पाउंड तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो पैसे आप वहाँ से ले सकते हैं। वो बार बार अदालतें कुछ कहती हैं, वकील कुछ कहते हैं, कानून कुछ कहते हैं और फिर नैब जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर है हुकूमत की तरफ से कि कोई नई चीज़ निकले, कोई नया केस बने, कोई नई बात जो आगे आए। चूँकि जब भी कोई मुकदमा आता है तो वकील सारे ऊपर खच्चे उड़ा देते हैं। अब वो होने क्या जा रहा है कि वो केस खामखा इस तरह के बन रहे हैं कि नए केस बन रहे हैं और नई उसकी जेलें निकल रही हैं। अब एक और खबर भी सुन लें कि जो वकला हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर आते थे जिसमें शोएब शाहीन है, दूसरे शेर अफजल मरवत है, या वो वकला जो जो टीवी पर जिनको इजाजत थी कि वो आकर पीटीआई का या अदालतों के अंदर केसों को आप डिफेंड करें, उन सब पर जो है वो पाबंदी लगने वाली है या लग चुकी है। इसी तरह बहुत सारे टीवी चैनल्स के जो एंकर थे जो आज़ादाना तौर पर राय देते थे या वो राय देते थे जो एक बैलेंस राय होती थी, या यूं समझ लें कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कहते थे या सच्चाई की बात करते थे, या फिर उनकी टिल्ट इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी जमात के हवाले से जो कुछ हो रहा है या इंसानी हकूक की जिस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर वो खुलकर बात करते थे। खुलकर बात करना तो मुश्किल हो गया था लेकिन दबे अल्फाज में भी कहीं ना कहीं वो डिफेंड करते थे और ये कहते थे कि 9 मई का जो वाकया हो गया है उसकी आज़ादाना तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। तो उन पर भी अब पाबंदियाँ लग रही हैं और उन चैनलों के जो मालकान हैं ऑब्वियसली उन पर प्रेशर है कि इनको ऑफ एयर कर दिया जाए ताकि जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में, जो कुछ हम करने जा रहे हैं, इलेक्शन जिस तरह के प्लानिंग बनी हुई है उसमें वो आवाज़ें सारी दबा दी जाएं और बंद कर दी जाएं। और एक और बात भी सुन लें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाबंदी लगेगी। अब किसी भी आज़ाद माशरे के अंदर जब आज़ादी आज़ार राय पर पाबंदी हो, मीडिया आज़ाद न हो, लोगों के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, हुक्मरानों के ऊपर जो क़यादत होती है उसके ऊपर अगर तनकीद न कर सके, खुलकर बात न कर सके, तो उस माशरे के अंदर फिर कितना बड़ा
यानी इनकलाब पैदा हो जाता है, कितना घुटन का वो माहौल होता है। इस तरह की पाबंदियां ऑब्वियसली मार्शल लॉ के दौर में लगी हैं। एक और खबर है, वो है चौधरी परवेज अलाई, जो न जाने कितने दिन से अब जेल में है, उनसे मुतल्लिक है कि उन्होंने अदालत में पेशगी के मौके पर अल्लाह जाने किस जुर्म की सजा के तौर पर वो अदालत में पेश हो रहे थे, तो उनकी गुफ्तगू हुई है। ये पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर हैं फहद शहबाज, उनसे हुई है और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में, अडियाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं और वहाँ पर चूँकि उनका कमरा इमरान खान साहब के कमरे के बिल्कुल साथ में ही है, आकब में ही है, तो अडियाला जेल में IMF वाले और दूसरे अमेरिकन भी मुलाकात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये खबर नहीं आई, लेकिन परवेज अलाई साहब ने जिस तरह का इंकशाफ किया उससे तो यही लगता है कि चूँकि जो अमेरिकन डोनाल्ड ब्लूम हैं उन्होंने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है, फिर UK के एम्बेसडर ने भी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की है, तो ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं इस हवाले से मेरा सिर्फ इतना सा तजिया है। चूँकि IMF ने जब कर्ज़ा दिया था तो लाहौर में जमान पार्क में एक वफद ने इमरान खान साहब से जाकर मुलाकात की थी और उसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से अपनी रिजर्वेशन और उसका मुतालबा किया था कि इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बात कही थी। तो वैसे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं आपको सही जेन्युइन खबर दे रहा हूँ, ये है कि इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान साहब की मौजूदा तनाजर में, इसराइल फ़िलिस्तीन के तनाजर में, या अमेरिकन जो बाइडन इंतजामिया के तनाजर में, या UK की बात करें, उस तनाजर में ज़ाहिर है हो सकता है एक लाइकिंग ना हो या उसको नापसंद किया जा रहा हो, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मसलमा है कि इसको आप बिल्कुल सही समझें कि इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं या जितनी भी हुकूमतें हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर उनका स्टेक रहता है, उनके इंटरेस्ट रहते हैं, वो चूंकि उनको हो सकता है डिसलाइक करते हों और वो ग्राउंड्स जो हैं वो भी आपको पता है किन बुनियादों पर उनको डिसलाइक करते होंगे, नापसंद करते होंगे, लेकिन उनके साथ एक ताल्लुक बनाकर रखना चाहते हैं। चूंकि अवाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं, ये इनके चूंकि डिप्लोमेटिक कोर या एम्बेसडर जितने भी इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, तो इनको पता है कि अवाम के सेंटिमेंट या अवाम जिस लीडर के साथ है, जो लीडर अवाम में पॉपुलर है, इनकी मजबूरी रहती है कि उसके साथ भी बना कर रखें। और फिर ये भी मैं आपको बताता चलूं, बजाय सवाए सऊदी अरब के कोई भी दूसरा मुल्क डायरेक्ट जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान की उसके साथ तो वो मामलात अपने तय करने के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी अरब के अपनी तरजीहात हैं, वो हमारे अदारों के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुलाकात करने को तरजीह देते हैं। अब आते हैं IMF ने जो $700 मिलियन $70 करोड़ पाकिस्तान को स्टाफ माहदे के तहत दिए हैं, ये सारे पैसे, इस पर कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे पैसे तो हमें कर्जों की किस्त अदा करने के लिए देने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि चूंकि इकॉनमी के बारे में मैं बहुत अच्छा तजिया भी कर सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कोई दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जनाब मोहतरम आफोज सैयद आसम मुनीर साहब ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाई थी, मुतारफ करवाई थी, और आर्मी चीफ का यही कहना था कि अगले साल तक पाकिस्तान में ज़रात के शुबे में, इंडस्ट्री के शुबे में बहुत सारे डॉलर आएंगे होते, लेकिन अभी तक वो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और कोई ज़्यादा उसमें पेशरफ्त भी नहीं हो सकी और कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह की पाकिस्तान में नहीं आई है। हफीज पाशा साहब जो हैं एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि अगले साल जून तक हमारा जो रुपया है वो डीवैल्यू हो जाएगा और डॉलर के मुकाबले में 345 रुपए तक वो पहुंच जाएगा। हमारी जो मसनूआत हैं जिसे एक्सपोर्ट्स कहते हैं, जो चीज़ें जो गुड्स हम पाकिस्तान में बनाते हैं वो बाहर के मुल्कों में हमने भेजनी है, उसमें इजाफा करना था, वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही हैं। मामला हैं पाकिस्तान के एज ए रियासत, वो आप सारे अदाद व शुमार देख लें, उसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो है सियासी अदम इस्तेकाम।
सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टर नहीं आ रहा, ना तो वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के अंदर पैसे खर्च करके इंडस्ट्रीज को बूस्ट देना चाहते हैं, ना तो वो पैसे लगा रहा है। उसको पता नहीं है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत बनेगी। और फिर अगली बात यह है कि जो हुकूमत बनेगी वो कितने अरसे तक रहेगी और यहाँ पर कौन सा निज़ाम होगा। चूँकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर होता है उसको एक तो ये होता है कि हुकूमत उसको कितना इंसेंटिव देती है, किस तरह की मराहत देती है, हुकूमत कितना अरसा चलेगी, फिर वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। बाहर से जो सरमायाकारी आती है वो बड़े आसानी से हम बाहर से सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और जब भी पाकिस्तान में आर्मी रूल्स आए हैं, मसलन मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त आप देखें कि एशिया का टाइगर ये इस मुल्क को बनने जा रहा था। और 2002 से अगर आप देखें कि इकानमी हमारी कितनी अच्छी थी, इन्वेस्टियों में कितना इजाफा हुआ था, मीडिया किस तरह फ्लोरिश हुआ, ये सारी चीज़ें हुई चूँकि लोगों को लगता था कि अब ये एक गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो गवर्नमेंट स्टेबल है। एक ओबियसली एक आर्मी रूलर हैं लेकिन वो उस वक्त मामलात उन्होंने संभाल लिए थे और लोगों को लगा था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस वजह से आ रही थी। और दूसरी बात ये कि हम अगर अपनी ज़रात को सही करेंगे, हम अगर मसनूहात अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं और दूसरे मुल्कों में फरोख्त करें तो उससे हमारी आमदनी बढ़े और अपनी ज़रात को इंडस्ट्री को सीधा करें और हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। वरना आने वाली 7 नस्लों तक हमारे हुक्मरानों ने, चोरों ने, चक्कों ने, बदमाशों ने, मनी लॉन्डरों ने ये पैसे जो है वो कर्जे में ले लिए और अल्ले तल्लू के ज़रिए जो है वो मीडिया पर भी 10 अरब रुपया खर्च कर दिया। फिर इसी तरह जो वज़ीर थे 90 जो PDM की हुकूमत थी या उससे पहले इमरान खान साहब की जो भी हुकूमत थी उसके अंदर भी करप्शन तो रहती है। वो ये ठीक है कि इमरान खान की नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा होगा लेकिन एक आदमी अगर करप्ट ना हो, बाकी सारे आवे का आवा अगर बिगड़ा हुआ हो और यही करप्ट अलीट, यही शुगर माफिया, यही लोग जहांगीर तरीन वगैरह, अलीम खान साहब या दूसरे तीसरे ये जो लोग थे ये कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। जो करप्शन हमारे यहाँ रहती है, तो मेरा आखिरी जो आपसे पैगाम होगा वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में आप बहुत सारे नारे दावे सुनेंगे लेकिन आपने हक और सच के लिए आवाज़ उठानी है, हक के सच के लिए खड़ा होना है। हमारे अदारे, पाकिस्तान की आर्मी, हमारी अदलिया, हमारा मीडिया, हमारा मेंबर, कुछ उलमाए किराम ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की, अच्छी बात है, आर्मी चीफ साहब चूँकि ताकतवर हैं उनसे मुलाकात की है। ज़ाहिर है उलमाए किराम हक पर जो उलमाए किराम में मौलाना ताहिर अशरफी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बाकी जो ये तो हर वक्त दस्तियाब होते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो कुछ भी अपनी लॉयल्टी बेचने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दीगर जो उलमाए किराम उसमें तकी उस्मानी साहब थे, बहुत सारे जैयद उलमाए किराम थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटी की बात आर्मी चीफ से की होगी। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।